उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन पर तुरंत रोक लगाने से देश की सबसे बड़ी अदालत ने इनकार कर दिया है। गुरुवार को जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में मांग की गई थी कि अदालत यूपी सरकार को तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद ही बुलडोजर से घरों को गिराने का निर्देश जारी करे। याचिकाकर्ता का ये भी आरोप था कि एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए बिना नोटिस दिए यूपी में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। अर्जी पर सुनवाई करते हुए शीर्ष अदालत ने यूपी सरकार को नोटिस जारी करते हुए 3 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। हालांकि बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने से अदालत ने इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने इस मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा कि वो बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकता, वो बस सरकार को कानून के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए कह सकता है। जस्टिस एस बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की वैकेशन बेंच ने यूपी सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि अवैध निर्माण को हटाने में कानून की प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाए, कोई भी कार्रवाई नियम के अनुसार ही चलनी चाहिए। याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में बताया कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हिंसा में शामिल प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की जा रही है। ऐसे घरों को भी गिराया जा रहा है जो 20 साल से अधिक समय से खड़े हैं और कई मामलों में ये आरोपी के नहीं बल्कि उनके बूढ़े माता पिता के होते हैं। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना था कि किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं की जा रही है, सरकार किसी खास समुदाय को टारगेट भी नहीं कर रही। बहरहाल मामले की सुनवाई अब अगले सप्ताह होगी। आपको याद दिला दें कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ नुपुर शर्मा की टिप्पणी को लेकर यूपी के कई शहरों में हिंसा भड़की थी। इस दौरान जमकर बवाल और पत्थरबाजी हुई थी। सरकार ने दंगाइयों पर कार्रवाई करते हुए प्रयागराज में हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप का पूरा घर बुलडोजर से जमींदोज कर दिया था। इस कार्रवाई को लेकर तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने यूपी में बुलडोजर एक्शन पर फौरन रोक लगाने की मांग को स्वीकार नहीं किया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।